वार्ता है इसके अंदर की तरफ पहुंचते हैं, इस आयत के नंबर की तरफ पहुंचते हैं। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 40 है, आयत नंबर 40 है। यानी जो सैयदिना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाम को बयान कर रही है उसका नंबर क्या है? 40। और 40 का अदद किसकी तरफ इशारा करता है? कमाल की तरफ इशारा करता है। 40 का अदद कमाल की तरफ इशारा करता है। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 40 बता रही है कि ये ऐसी आयत है कि इसके अंदर दो जातों का बयान है, दो शख्सियात का बयान है। उसमें से एक शख्सियत अकमल के मुकाम पे फायज है और दूसरी शख्सियत कमाल के मुकाम पे फायज है। यानी एक शख्सियत अकमलियत में सबसे आला है, दूसरी शख्सियत कामलियत में सबसे आला है। अकमल से मुराद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जात मुबारक है और कामलियत से मुराद उन अंबिया इकराम के अस्हाब मुबारक की जात मुबारक है। अब ये आयत बता रही है कि इसमें एक वो जात है जो अकमलियत में सबसे आला मुकाम है, जो अकमल में सबसे आला और औला है। तो अकमल से मुराद मुस्तफा की जात है और एक जात वो है जो कामलियत में सबसे आला है, सबसे बुलंदर बाला मुकाम पे फायज है। उस कामलियत से मुराद अल्लाह के हबीब के यार दार ताजदार सदाकत सैयदिना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात का बयान है। अल्लाह, एक अकमल है और एक कामिल है। अब इस आयत मुबारक पे गौर करते हैं। यह आयत किस किताब की है? कुरान करीम की। यह आयत मुबारक कुरान करीम की है। इस आयत मुबारक में कलाम किसका है? अल्लाह का। कलाम किसका है? अल्लाह का। गुफ्तगू किसकी है? ये बात सुनने वाले, गुफ्तगू किसकी है? मुस्तफा की। गुफ्तगू मुस्तफा की है और जिक्र किस शय का हो रहा है? अताए मुस्तफा का। और बयान किस शय का हो रहा है? मकाम सिद्दीक अकबर का। बात सुनने वाले, ये कुरान करीम है। कुरान करीम अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक किसका कलाम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में कलाम किसका हो रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। गुफ्तगू किसकी है जिसको रब अपना कलाम बना रहा है? गुफ्तगू किसकी है जिसको रब अपने कलाम का हिस्सा बना रहा है? वो गुफ्तगू रब के हबीब रब्बिल आलमीन मुस्तफा की है और जिस शय का जिक्र हो रहा है वो हबीब रब्बिल आलमीन की अता का जिक्र हो रहा है और जिसका बयान है वो मकाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। यानी यार दार के साथ दार के अंदर जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई वो जो गुफ्तगू हुई रब ने उस गुफ्तगू को अपने कलाम का हिस्सा बना लिया। ये मानना है कि आए में कलाम रब का है, गुफ्तगू मुस्तफा की है, जिक्र अताए मुस्तफा का है और बयान सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में मकाम